हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम आए हैं स्वामी नारायण मंदिर में। गाइस, आज यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर में लाइट शो है, और मैंने यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाला। गाइस, आप यहाँ पर डेली शो देख सकते हैं, और डेली शाम को 7:30 बजे तक यहाँ पर शो चालू हो जाता है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ ही देर में शो चालू होने वाला है, लाइट्स पूरी बंद हो गई है। तो चलो गाइस, शो को एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी एंजॉय करना गाइस। तो चलो चलते हैं आगे। चलो गाइस, चलते हैं यहाँ से अंदर। अभी ये है एंट्री, यहाँ से जाएंगे अंदर। तो देखो गाइस, यहाँ पर चेकिंग वगैरह करते पहले। अरे मेरे को भी समस्या, मंदिर में चेक कर लो भैया, जल्दी शो चालू होने वाला है। अरे अभी 15 मिनट। अच्छा, 15 मिनट टाइम है क्या? चलो गाइस, अभी 15 मिनट टाइम है बोलते हैं। अभी यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एंट्री। देख सकते हो गाइस, आस पास में बहुत ही प्यारा नज़ारा। चलते अभी ऊपर यहाँ से मंदिर दर्शन के लिए एंट्री। चलो गाइस, चलते, बहुत लोग हैं यहाँ पर आसपास। लाइट्स देखो गाइस, यहाँ पर अभी लाइट्स थी, लाइट्स अभी पूरी फुल बंद हो चुकी है यहाँ पर। तो चलो शो को एंजॉय करते हैं। स्वामीनारायण मंदिर में प्रति सप्ताह रविवार को शाम 5:30 बजे सत्संग सभा, और साथ ही बाल बालिका, युवा युवती एवं जय स्वामीनारायण, आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संस्कृति की एक अनोखी पहचान है मंदिर। मंदिर है संस्कृति का आधार स्तंभ। आइए मंदिर के इस महत्व एवं इतिहास को जाने एक रोचक तथा रोमांचक प्रस्तुति द्वारा। परमात्मा की भक्ति उपासना से परम शांति का अनुभव कर सके, इस हेतु उन ऋषियों ने अपनी आत्मा में दृश्यमान परमात्मा की मूर्ति को बाहर भी प्रस्थापित करने का संकल्प किया, और जिस प्रकृति की गोद में रहते हुए उन्होंने भगवत साक्षात्कार किया था, उस प्रकृति के विविध अंगों से ही सुंदर मंदिर की परिकल्पना की। उन्नत पर्वतों की प्रतिकृति है मंदिर के उत्तुंग शिखर। पेड़ के मजबूत तने और कोमल शाखाओं की झांकी मिलती है मंदिर के स्तंभ तोरण में। पृथ्वी पर प्रवाहमान जीवनदायी जल तत्व की याद दिलाते हैं मंदिर के कलश। अविरत बहते वायु तत्व का प्रतीक बनकर फहरती है मंदिर की ध्वजा। सृष्टि के बाग में खिलते फूलों की नजाकत पाई जाती है मंदिर की कलात्मक नक्काशी में। ब्रह्मांड के छत्र का अनुभव मिलता है मंदिर के गुंबज तले। स
सूर्य का तेज तत्व जगमगता है मंदिर की आरती में। सकल सृष्टि के सार रूप परमात्मा के दर्शन होते हैं सिंहासन में विराजित मूर्ति में। प्रकृति की निगुड़ शांति देता है मंदिर का मंडप। अन्य सभी आवास को दबाकर गरजती बिजली की तरह गूंजता है मंदिर का घंटनाद। सभी दिशाओं से शुभ विचारों के विनिमय का प्रतीक बनते हैं मंदिर के गवाक्ष। इस प्रकार शुरू हुई मंदिरों के द्वारा परमात्मा की भक्ति उपासना करने की विलक्षण परंपरा। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने मंदिर निर्माण की इस पर और उपासना का केंद्र है। मंदिर के द्वारा आदर्श भक्त बनकर भगवान की उपासना करने की रीति पुरातन काल से चली आ रही है। आप सभी को यहाँ गाइस अभी लाइट शो खत्म हो गया है और अभी हम जाने वाले सीधा मंदिर के अंदर। अभी सिर्फ मंदिर से होकर आते हैं एंट्री कर लेते हैं मंदिर के अंदर। तो चलो गाइस मंदिर में चलते हैं। अभी देख सकते हो गाइस, देखो बाहर से कितना प्यारा दिख रहा है ना मंदिर। और ये है यहाँ का गार्डन और ये है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही खाने के लिए कुछ है और बच्चों के लिए खेलने। देख सकते हो गाइस यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारा प्लेग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे बहुत खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। देखो और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ फिर फूड पार्क है इधर साइड में और ये है मंदिर का सबसे प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा व्यू।
और यहाँ पर खाने के लिए बच्चों के लिए बहुत कुछ और बड़े मतलब सभी लोग खा सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों। और चलते हैं यहाँ से सीधा बाहर। गाइज मंदिर बहुत ही प्यारा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे, मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा। और यहाँ का जो लाइट शो है मुझे एकदम अच्छा लगा, एकदम दिल को सुकून पहुँचाने वाला। और अभी गाइज अभी हम जा रहे हैं घर पे, तो चलो ब्लॉग्स को एंड करते हैं। और थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने ब्लॉग को पूरा देखा। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट, मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। तो बाय।